तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते हैं बहुत सारे कॉलेजेस, लाइक देयर आर अराउंड 70 to 80 to इवन आई थिंक 90 कॉलेजेस इन टोटल। पर अगर हम बात करें कि अब सारे कॉलेजेस बिल्कुल टॉप में आते हैं, सब में बहुत ज्यादा प्लेसमेंट लगती है, ऑब्वियसली नहीं। तो यार अगर हम बात करें कि आपको अगर डी यू में हिंदू हंस राज डिफेंस एसोसिएशन के एम सी वेंकटेश्वरा LSR JMC मिरांडा ऐसे टॉप कॉलेजेस मिल रहे, फिर तो आपको पता है कि आपको एडमिशन लेना ही है। पर क्या हो इन केस में अगर आपको एवरेज या बिलो एवरेज कॉलेजेस मिल रहे हैं, क्या आपको एडमिशन लेना चाहिए? क्या DU के एवरेज कॉलेजेस आर वर्थ टेकिंग एडमिशन, या फिर आपको कोई और ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए? तो यार हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पे टैलेंटेड यू को फॉलो नहीं किया तो उसको जाके फॉलो कर लो, वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स, अभी तो मैं कॉलेज के थोड़ा सा लाइक रिव्यू टाइप के पोस्ट भी डाल रहा हूँ और भी इंटरेस्टिंग पोस्ट, तो उसको फॉलो कर लो। आपको पेज का लिंक मेरे वीडियो के पिन कमेंट में और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो यार मैं सीधी से आपसे बात करता हूँ, तो यहाँ पे सोचने का एक मैं आपको थॉट प्रोसेस बताऊंगा, बिकॉज दैट इज वॉट इज इंपॉर्टेंट, नॉट कि मैं आपको एक क्लियर आंसर दे दूँ कि हाँ या ना। मैं आपको एक सोचने का वे बताऊंगा कि आप अगर उस वे में सोचोगे तो शायद आपको चीज का आंसर मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाई DU इज लाइक सो मच फेमस, DU इतना फेमस होता क्यों है? बिकॉज DU में अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज DU में एक्सपोजर है, DU के कॉलेजेस के आपस में कनेक्शन बढ़िया है, कॉम्पिटिशन बहुत होते हैं, और अगेन मैंने अपॉर्चुनिटीज की बात की वो तो भर भर के होते हैं। और अगर आपको DU के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है देन यू आर वेल टू डू, पर अगर आपको DU के जो बिलो एवरेज या एवरेज कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिल रहा है तो देयर इज अ परसेप्शन कि वो कॉलेजेस वर्थ इट नहीं है। या फिर अगर आप नॉर्थ कैंपस में जाओगे तो नॉर्थ कैंपस ही अच्छा है, नॉर्थ कैंपस को छोड़ के और कोई अच्छा है ही नहीं, या फिर आपको अगर साउथ में कॉलेज मिल रहे हैं तो अच्छे कॉलेजेस नहीं है, या फिर उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़िया नहीं है, फिर प्लेसमेंट अच्छे नहीं होती है। तो देखो अगर हम बात करें टॉप कॉलेज की तो हम सबको पता है, हम हंसराज की बात करें तो हंसराज की प्लेसमेंट अच्छी है, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, वहाँ का क्राउड अच्छा है। पर एट द सेम टाइम अगर हम बात करें बिलो एवरेज कॉलेजेस की या एवरेज कॉलेज की, जैसे भगत सिंह हो गया, जैसे भीमराव अम्बेडकर, श्रद्धानंद, शिवाजी, रामानुजन, आत्माराम, तो यार इन कॉलेजेस में भी हाँ मैं ये मानता हूँ कि प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं हो सकती है। अच्छी नहीं होने का मतलब है कि हो सकता है आपको 30 लाख 20 लाख की प्लेसमेंट्स ना मिले, पर एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉलेज अच्छे नहीं है। बिकॉज देखो एक तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जहां आप DU में एडमिशन लेते हो तो DU में जो डिग्री मिलती है आपको एडमिशन की, वो डिग्री में आपके कॉलेज का नाम लिखा हुआ नहीं रहता है, वहां पर सिर्फ आपको DU लिखा रहेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपको डिग्री मिलती है, तो ये बात अपने दिमाग में रख लो। एट द सेम टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, जो एक्सपोजर मिलता है आपको, आप ऐसा कुछ नहीं कि आप इस कॉलेज में हो तो आप किसी कॉलेज में रिस्ट्रिक्टेड हो, अगर आप आत्माराम में हो तो आपको हंसराज जाना है किसी कंपटीशन के लिए, किसी इवेंट के लिए, फेस्ट के लिए, तो आप बिल्कुल आराम से आ सकते हो, तो इस चीज़ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फर्क हो जाती है प्लेसमेंट्स में, पर यार ठीक है, प्लेसमेंट इज नॉट द एंड, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी कॉलेज को प्लेसमेंट से जज नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो तो बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो मैटर करती है। प्लेसमेंट्स तो ऐसा नहीं है कि हंसराज में सारे बच्चों की प्लेसमेंट होती है, स्टीवंस में सारे बच्चों की प्लेसमेंट होती है, बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी बंदे वहाँ से भी अनएम्प्लॉयड निकलते हैं, 100% निकलते हैं। तो एट द एंड मैटर ये करता है कि आप कितना डेडिकेटेड हो। अगर आप अपने कॉलेज में डेडिकेटेड हो तो इवन एक भगत सिंह का लड़का भी SRCC के लड़के से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और एट द एंड सिलेबस सबका सेम है, फैकल्टी मैं बोलूंगा लाइक थोड़ा 19-20 करके मैक्सिमम कॉलेजेस सेम ही रहते हैं, बिकॉज काफी पढ़े लिखे मतलब काफी वेल क्वालिफाइड टीचर्स रहते हैं। हाँ ये बात आप सुनोगे कि SRCC हंसराज हिंदू में वैसे प्रोफेसर रहते हैं जिनके बुक हर जगह पेपर पढ़ाई जाती है, विच इज ट्रू, बट एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं कि जो टीचर्स ने बुक नहीं लिखी वो टीचर्स अच्छे नहीं होते, बिकॉज टीचर्स मेरे हिसाब से हर जगह अच्छे होते हैं, सिलेबस सबका सेम होता है, प्लेसमेंट्स वगैरह घट सकती है, पर एट द सेम टाइम आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कितनी अपॉर्चुनिटी हार्नेस करते हो। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो जितने प्राइवेट कॉलेजेस है, सिम्बायोसिस है, जैसे MIT है, तो क्या वो कॉलेजेस में बच्चे जाते नहीं है? और अगर हाँ चलो उन कॉलेज में बच्चे जाते हैं तो क्या वो DU से पीछे रह जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इट ऑल डिपेंड्स, अगर सिम्बायोसिस का भी कोई बच्चा एक्टिव रहेगा तो वो DU के किसी भी कॉलेज के किसी लड़के से बहुत अच्छा कर जाएगा। तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना एक्टिव हो। पर अब मैं क्या करूँ? तो देखो यार सीधी सी बात है, अगर आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप DU किसी एवरेज कॉलेज में एडमिशन लो, या तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओ, या तो आप किसी लोकल कॉलेज में जाओ, आप एक ही करके ऑप्शंस को हटाना स्टार्ट करो। क्या आप किसी लोकल कॉलेज में जाओगे तो आपका एंड गोल, या तो लेट्स सपोज आपको BCom करनी है तो BCom के बाद आपको MBA करनी है, तो क्या उस चीज़ पे आपका लोकल कॉलेज हेल्प करता है? अगर हाँ
तो फिर मैं बोलूँगा कि आप लोकल कॉलेज में एडमिशन ले। पर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सी ब्रांड वैल्यू चाहिए तो आप अपने लोकल कॉलेज को हटा लो। अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की और डी यू के एवरेज कॉलेजेस की। देखो अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आप उतने लाख ऑफ रुपए खर्च नहीं कर सकते, तो आई वुड से आप डी यू के लाइक एवरेज या बिलो एवरेज कॉलेज जो भी आपको मिल रहा है उसमें एडमिशन ले लो। बिकॉज आप वो लाख्स ऑफ रुपीज का लोन लेके जो भी करोगे, आप अंडर ग्रेजुएट में खर्च करने से अच्छा आप उसे अपनी एमबीए में, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में लगा देना किसी अच्छे आईएम से। बिकॉज एनी डे कैट जब आप क्रैक कर लोगे तो कैट में बहुत थोड़ी सी भी वेटेज होती है, तो आपको वहाँ पर ये नहीं दिखा जाएगा कौन से कॉलेज से। भगत सिंह रामानुजन का भी लड़का आईएम अहमदाबाद, आईएम बैंगलोर, आईएम कलकत्ता, एफएमएस भी क्रैक कर सकता है। तो इस बात को अपने मन में रखना। पर अगर आपके पास पैसों की भी चिंता नहीं है उस केस में क्या करना चाहिए? अगर देखो उस केस में ये होगा कि आपको इमिडिएटली क्या करना है। अगर आपको इमिडिएटली जॉब चाहिए तो आप पहले उन दोनों कॉलेजेस के प्लेसमेंट को कंपेयर करो। अगर आपको जॉब नहीं चाहिए तो मैं बोलूंगा अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी तो आप डी यू आओ। डी यू में एक तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, ठीक है, मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है लाइक बहुत ज़्यादा लोड नहीं, तो आप आराम से एक्स्ट्रा चीज़ें हैंडल कर सकते हो, आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैंडल कर सकते हो। मैंने ऐसा सुना है, मेरे को पता नहीं अच्छे से, कि प्राइवेट कॉलेज में अटेंडेंस की बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है। तो यार अल्टीमेटली मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तो ओवरऑल आप डी यू के एवरेज कॉलेज या बिलो एवरेज कॉलेज जो भी मिल रहा है एडमिशन ले लो। बिकॉज एट द एंड इट इज यू हु लाइक ड्राइव योर सेल्फ इन लाइक 3 years। ऐसा नहीं होता कि कोई कॉलेज मिलने से कुछ हो जाता है। अगर आप कॉलेज में हो लेकिन अगर आप सोए हुए हो तो यार कुछ फायदा नहीं उस चीज़ का। फर्क बस इतना सा पड़ता है कि आप एज एन इंडिविजुअल, आप एज ए स्टूडेंट कितना एक्टिव हो, आप एज ए स्टूडेंट कितनी इंटर्नशिप कर रहे हो, कितने प्रोजेक्ट में पार्ट ले रहे हो, आपको स्टार्टअप खोलना है तो आप कितना एक्टिव हो, आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो, आप सोसाइटीज में कितने एक्टिव। बिकॉज मोर और लेस ये कॉम्पिटिशन ये सोसाइटीज फिर हर कॉलेज में होते हैं, थोड़े स्टैंडर्ड्स ऊपर नीचे होते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली ये एक हाइप बनी हुई है कि हंसराज अच्छा है तो हंसराज ऑब्वियसली थोड़ा सा एक एज तो रखता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इन कॉलेज में जो एक्टिविटीज होती है वो वर्थ इट नहीं होती, वो भी बहुत ज़्यादा वर्थ इट होती है। और यार देखो अगर आप डी यू में रहते हो तो आपको ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को, बोलने को, सीखने को मिलेगा जो आपके लोकल कॉलेज या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज डी यू का जो एनवायरमेंट है वो काफ़ी चीज़ों से बहुत अलग है। तो अगेन मेरा कंक्लूजन एट द एंड यही रहेगा कि इफ यू आर गेटिंग एडमिशन इन अ डी यू कॉलेज, डजेंट मैटर इट इज एसआरसीसी और वॉट एवर इट इज एन एवरेज कॉलेज और बिलो एवरेज कॉलेज, गो एंड टेक एडमिशन इन टू इट। बिकॉज अगर मैं ये देखूँ कि अगर आपके 95% भी आए, 94% भी आए हैं, और लाइक अगर किसी बंदे के 97 है और अगर किसी का 94 है तो 97 वाला सीधा कूद के जाएगा नॉर्थ कैंपस। अगर किसी के 94 है तो वो जाएगा ऑफ कैंपस में, दीनदयाल जाएगा, दयाल सिंह जाएगा, मोतीलाल जाएगा। तो यार आप ही बताओ कि 2-3% का फर्क किसी इंसान, किसी स्टूडेंट, दो स्टूडेंट्स में इतना फर्क कर देता है कि वो बिल्कुल ही एक टॉप कॉलेज में जाए और एक लोअर ग्रेड कॉलेज में जाए। ऑब्वियसली नहीं, सारे कॉलेजेस अपने आप में बढ़िया हैं, कुछ की ब्रांड वैल्यू है, उनकी वैसे परफॉर्मेंस है, पर कुछ कॉलेज जैसे दीनदयाल है, दीनदयाल की मैंने प्लेसमेंट रिपोर्ट अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाली तो आप एक बार उसे फॉलो कर लेना। तो दीनदयाल है उसके प्लेसमेंट सब बढ़िया गई है, आत्माराम की भी ठीक ठाक प्लेसमेंट गई है। तो यार इट ऑल डिपेंड्स कि स्टूडेंट्स कितना एक्टिव है। कॉलेज एक जस्ट प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म पर जो वो ट्रेन जाती है ना, वो ट्रेन का ड्राइवर आप हो। तो अगर आप अच्छे ड्राइवर हो तो प्लेटफॉर्म हमेशा भरा रहेगा, लोग आएंगे आपके गाड़ी पे बैठेंगे। तो इट इज जस्ट दैट। तो यार मैं यही बोलूंगा कि एडमिशन ले लो, बहुत एंजॉय करोगे, डी ओ इज टोटल फन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम पे टैलेंट स्टडी को फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं आपको ऐसे पोस्ट ऐसे सब कुछ लेके आता रहता हूँ। प्रिंस अकेडमी का चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो यार गाइस दैट वाज ऑल, आई होप आप सबका एडमिशन हो जाए जो कि हो ही जाएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।